हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आप बॉक्सेस चेक कर सकते हो, अंडरवुड सब अंडर सीट सब वूफर्स के बॉक्सेस हैं। तो पहले भी हमने वीडियो डाली थी बेस्ट अंडर सीट सब वूफर्स के, वो भाई आप वीडियो चेक कर सकते हो, ऊपर अभी लिंक पे लिंक आ रहा होगा आई बटन में। तो आज जो है एक नई रेंज आई है कुछ प्रोडक्ट्स की, तो हम वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। तो अंडर सीट हमने लगवाया था अपनी सेल्टॉस में भी अल्पाइन का, अगर आपको याद होगा और आप चैनल फॉलो करते हो। तो आज उसका भी एक नया वाला जो मॉडल है वो लॉन्च हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम भैया से मिल लेते हैं। क्या है भैया? बहुत बढ़िया। तो भैया ये बॉक्सेस देख रहा हूँ, तो नए नए लग रहे हैं दोनों, तो एक बार बात कर लेते हैं इनकी। तो पहली नजर तो मेरी इस पे जा रही है अल्पाइन पे, काफी छोटा बॉक्स इन्होंने निकाल दिया है, क्योंकि जब हमने लगवाया था पुराना वाला मॉडल तो वो काफी बड़ा साइज था इससे कंपैरेटिवली। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी लेटेस्ट लॉन्च है, कल ही लॉन्च हुआ है, आज ही हमारे स्टॉक में आया है। अब पुराना वाला मॉडल फिलहाल इन्होंने इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया, ये नया मॉडल आ गया। सेम आरएमएस है, सेम आउटपुट है, बट कॉम्पैक्ट कर दिया। जिन गाड़ियों में स्पेस कम होता है सीट के नीचे, उनमें हर जगह लग नहीं पाता था अल्पाइन, तो ये कहीं पे भी आराम से इंस्टॉल हो सकता है अंडर सीट किसी भी कार के अंदर। सेकेंडली एक इंच साइज कम करा है, 7 इंच में कर दिया है, स्क्वायर वूफर कर दिया है, पहले राउंड आता था। आरएमएस है स्टिल 150 वाट, सेम क्वालिटी है, सेम क्लैरिटी है जो पहले अल्पाइन आता था। एक ये ऑप्शन है, एक स्टार्टिंग में हमारे पास ऑप्शन आया था ब्लॉक ऑन, दिस अगेन कम्स विद 150 वाट आरएमएस, बट लाउड है, बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा बेस इफेक्ट है, रीजनेबल है। इसका हम डेमो आज टाटा नेक्सॉन में दिखाने भी वाले हैं, इंस्टॉल करा है अभी, तो वो आपको साउंड डेमो में दिखा देंगे। और यार 10 इंच के अंदर 10 इंच, और ये 7 इंच का, 7 इंच है, ये भी आपका 8 इंच में आता है, ये 10 इंच में आता है। फिर ये इन्फिनिटी का भी एक ऑप्शन है हमारे पास, बेस लिंक मिनी का। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक नॉर्मल आता है, एक मिनी आता है। मिनी हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसकी क्वालिटी क्लैरिटी ज्यादा अच्छी है। तो ये वाला भैया एक बार ओपन करके दिखा देते हैं कि एक्चुअल में कितना छोटा है ये, कितना कॉम्पैक्ट है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट कार लिंकिट की तरफ से, ये है हमारा एंड्रॉइड बॉक्स। अगर आपको अपनी गाड़ी में एंड्रॉइड चलाना है, मतलब नेटफ्लिक्स देखना, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है और अपना स्टीरियो चेंज नहीं करना, तो आपके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप देख सकते हो सिर्फ इतना सा है, इतना स्लीक सा, एंड आप इसको अपने यूएसबी में लगाओगे तो सामने आपकी स्क्रीन पे एंड्रॉइड चलने लग जाएगा, एंड आप ये चेकआउट कर सकते हो। आपको एक बार यूट्यूब ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया अपना यूट्यूब, आप पूरा इंटरफेस देख सकते हो प्रॉपर, आपके इसमें गाने वीडियो सब कुछ चलेगा। उसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप नेटफ्लिक्स भी बहुत इजीली चला सकते हो। एंड यही बात करें तो आप प्ले स्टोर से यहाँ पे कोई भी ऐप जो है आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ फायदे। इसमें आपको 6 मंथ्स की मनी बैक गारंटी मिलती है, एंड आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, फ्री आपको इंटरनेशनल शिपिंग मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो IAM, इट्स अबाउट मशीन्स का IAM, एंड वो आप यूज करोगे तो आपको 18% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो अगर आपको परचेज करना है ये प्रोडक्ट तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड आपकी कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली DM कर सकते हो, हम आपकी सारी क्वेरीज का आपको जवाब देंगे। अब वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू। तो जैसे अपनी गाड़ियां हो गई होंडा सिटी वगैरह, तो उनकी सीट के नीचे कंपैरेटिवली काफी कम जो होता है गैप वो मिलता है, तो 10 इंच का या 8 इंच का बूफर आप लगाना चाहो तो हो सकता है कि थोड़ा ढंग से ना फिट बैठे। बट ये वाला प्रोडक्ट चेक करो, इतना कॉम्पैक्ट सा है ये, छोटा सा ये देख सकते हो, ऑलमोस्ट एक हाथ का ही है, कॉम्पैक्ट है बट बिल्ट बहुत हेवी है, क्वालिटी ऑफ बूफर इज वेरी गुड, मैग्नेट वगैरह बहुत हेवी है इसका। पूरा देखो मेटल फ्रेम मिलता है ना आगे से, ये देखो मेटल फ्रेम है, ग्रिल जो इसमें स्क्वायर शेप में आता है आपका सब ऊपर, तो ये आप देख सकते हो गाइस। तो 7 इंच है बट सरफेस एरिया अच्छा है, अच्छा साउंड आता है। हम डिफरेंस बता देते हैं, ब्लॉपंक इज ऑल्सो वेरी लाउड, अल्पाइन इज ऑल्सो लाउड, बट अल्पाइन इज वेरी गुड क्लैरिटी, जिनका बजट अलाउ करता है अल्पाइन इज नंबर वन, हम सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं, नंबर वन ऑप्शन है अल्पाइन। नंबर टू ऑप्शन अपना इन्फिनिटी, उससे नीचे बजट हो अच्छा लाउड चाहिए तो थर्ड ऑप्शन है ब्लॉपंक, एंट्री लेवल में हमारा ब्लॉपंक आ जाता है। भी आते हैं फिर चाइनीज ब्रांड्स हम नहीं प्रेफर करते, सेम ब्लॉकिंग की प्राइसिंग में नाका नीचे आ जाएगा वो भी मिल जाएगा आपको, तो ये सारे ऑप्शन। और भैया एमपी अगर हम बात करें तो क्या था, मैं एम्पलीफायर वगैरह की जरूरत तो नहीं होती है, ये और लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि एम इसमें इनबिल्ट होता है ओनली फॉर दिस वूफर, लोग सोचते हैं उसमें 4 चैनल स्पीकर्स भी लगा सकते हैं, स्पीकर्स नहीं लगेंगे, इसका जो एम्प है वो सिर्फ इस वूफर के लिए इनबिल्ट है। तो ये वाला जो वूफर है भैया ये हम किसी भी स्टीरियो के साथ चला सकते हैं या कोई प्रेफरेंस होती है इसमें? कोई भी कंपनी बिल्ट स्टीरियो हो, आफ्टर मार्केट स्टीरियो हो, किसी में भी कनेक्ट हो जाएगा स्टीरियो ये आपको।
बूफर आपका कहीं भी लगा। तो भैया अगर बात करें जैसे किसी को भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाना हो तो हमें मतलब क्या क्या सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा कुछ हमें चाहिए होते हैं, सब कुछ बॉक्स के अंदर ही आता है? मोस्टली कुछ कंपनी वायरिंग साथ देती है, कुछ नहीं देती। जैसे अल्पाइन के पिछले मॉडल में वायरिंग साथ आती थी, इस मॉडल में इन्होंने वायरिंग नहीं दी। तो एक वायरिंग किट आपकी लगेगी एम्पलीफायर की इसके इंस्टॉलेशन के लिए। सेम विद इन्फिनिटी सेम विद ब्लॉकों आपको वायरिंग किट लगानी है। तो बेसिकली अपना एक ये बॉक्स हो गया और साथ में हो गई वायरिंग, एक वायरिंग और एक अपना हाई लो कन्वर्टर भी आता है। आप हाई इनपुट से भी लगा सकते हैं, उसमें कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हाई लो से लगाते हैं तो एक आपको हाई लो कन्वर्टर लगाना पड़ता है। तो ये क्या मतलब क्यों लगवाना चाहिए? वी रिकमेंड विदाउट हाई लो एज वेल। हाई इनपुट पे भी आप आराम से चला सकते हैं, परफेक्ट चलता है। हाई लो में क्या होता है, थोड़ा सिग्नल में नॉइस कम रहती है। जो हमारा एम्पलीफायर का सिग्नल जाता है बूफर के लिए, वो काफी क्लीन होता है अगर आप हाई लो लगाते हैं। तो हाई लो के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो भैया यहीं पे अगर इनकी हम वारंटी की भी बात करें एक बार, ब्लॉकन की, अल्पाइन की और इसकी, तो क्या वारंटी रहती है? ऑल थ्री कम्स विद वन ईयर वारंटी, पैन इंडिया वारंटी है। आप कहीं पे भी जाएं, इनका सर्विस सेंटर है, वहाँ से वारंटी आपको मिलेगी। तो गाइज ये आप देख सकते हो ब्लॉकन का हमारा अंडर सीट सब वूफर, और ऐसी इसकी कुछ लुक है। अभी ये पूरा सीट के अंदर चला जाएगा, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी चालू है। आप देख सकते हो प्रॉपर वायरिंग का काम इसके अंदर हो रहा है, और ये पूरा हिडन हो जाएगा हमारा इस वाली सीट के नीचे, और फिर सिर्फ बेस आएगा और कोई भी चीज़ आपकी विजिबल नहीं होगी। तो गाइज अब आ गए हैं गाड़ी के अंदर, और इस गाड़ी में लगा हुआ है हमारा ब्लॉकन का अंडर सीट सबवूफर। तो उसका सबसे पहले मैं आपको बेस कंट्रोलर दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप अपना बेस एडजस्ट कर सकते हो। तो भैया ड्राइवर सीट के नीचे हमने ये लगाया हुआ है, तो इसका जैसे हम सुनते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी सीट पे आता है जिस सीट के नीचे ये लगा हुआ है, ऐसा भी होता है? ये फर्क रहेगा यार, जिस सीट के नीचे आप लगाओगे उस सीट पे ज्यादा फील होगा, थोड़ी वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा फील होता है, आएगा ओवरऑल कार में, बट उस सीट पे थोड़ा ज्यादा लाउड रहेगा। ठीक है, तो अब गाइस इसके साउंड टेस्ट की बारी आ गई है। हमने सिर्फ अंडर सीट इंस्टॉल करा है, एम्पलीफायर स्पीकर हमने इंस्टॉल नहीं करे, स्टीरियो भी बहुत बेसिक लगा हुआ है पहले से इनका चाइनीज, एम भी इन्होंने चाइनीज ही लगा रखा है, हमने सिर्फ इसमें अंडर सीट का इंस्टॉल करा है। तो वोकल्स पे मत जाना, वो हमारा बनाया हुआ नहीं है। सिर्फ बेस का एक आइडिया देने के लिए ये हम साउंड टेस्ट कर रहे हैं इसमें। भैया इसमें एक बार मैं आपसे भी पहले पूछना चाहूंगा कि जो हमारे इन्फिनिटी का मॉडल है और जो एल्पाइन का है, उससे इसमें क्या फर्क फील हो रहा है? देखो मैं आपको फर्क बताऊं, लाउड ये भी है, अच्छा लाउड बेस आता है इसके अंदर, बट डेप्थ की अगर हम बात करेंगे तो इन्फिनिटी और एल्पाइन में डेप्थ और क्लैरिटी आपको ज्यादा मिलेगी। जिनको बेस लाउड पसंद है उनके लिए इस बजट में बहुत सफिशियंट है ब्लॉकन का, क्योंकि आरएमएस अच्छा है, वूफर का साइज भी बड़ा है। बट अगर आप अच्छी क्लैरिटी चाहते हैं और थोड़ा डेप्थ चाहते हैं तो एल्पाइन बेस्ट आता है आपको। तो शुभम तू भी ऐसे एल्पाइन यूज कर रहा है, तो एक कंपैरिजन के लिए कैसा लगा ये वाला? डेफिनेटली यार, मतलब कंपेयर का है तो ऐसे है कि देखो डिपेंड करता है ना कि कहाँ से ड्राइव हो रहा है आपका जो वूफर है और वो सब, बट अगर वैसे ओवरऑल बात करूं एक कंपैरिजन की तो अल्पाइन का डेफिनेटली मेरे को थोड़ा सा सुपीरियर लगा कंपेयर टू ब्लॉकन। बट फिर वही उसका प्राइस भी सुपीरियर हो जाता है, तो अगर हम उसको हटा दें और वैसे ही अगर तू देखे अल्पाइन दिमाग से हटा के, तो तब क्या ये वैल्यू फॉर मनी चीज है? आप ब्लॉकन की तरफ भी जा सकते हो, आपको 10 इंच का वूफर मिल रहा है, ओवरऑल क्वालिटी भी अच्छी है और रिनाउंड ब्रांड भी है, तो आज सच कोई दिक्कत उसमें आती नहीं है। बट हाँ, उसमें वही मेन चीज होती है कि आप कैसे उस चीज को चला रहे हो, वो चीज भी बहुत मैटर करती है कि आपका हेड यूनिट कैसा है, पावर सोर्स हमारी क्या है बेसिकली। तो जैसे इस गाड़ी में थोड़ा कम है, तो आई थिंक इसकी पूरी ओवरऑल जो कैपेसिटी है, देखो इस गाड़ी में इन्होंने अभी डायरेक्टली एंड्रॉइड से रन करा है सब कुछ। पहली तो इसमें कोई कन्वर्टर नहीं लगा रखा, अगर यही हाई लो कन्वर्टर ऐड कर लेते कस्टमर तो इनके स्पीकर्स भी बेटर साउंड करेंगे, इनका वूफर और बेटर साउंड करेगा। इनपुट बहुत पुअर है इस गाड़ी का, आई थिंक पीक परफॉर्मेंस दिखाई नहीं पा रहा है उतनी पीक। इस पे अगर हम भैया ओनक्यो का एंड्रॉइड लगा दें तो मजा आ जाएगा, काफी फर्क आ जाएगा।
तो यही थी गाइज आज की वीडियो, हमने आपको दिखाए सारे अंडर सीट सब वूफर्स। तो शुभम, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम क्या सोच रहे हैं, एक बार अगर उस पर कॉमेंट्स आए तो ही हम करेंगे, तो बता तूने क्या सोचा है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे बहुत ही बढ़िया कार एक्सेसरीज जो कि आपको एक अच्छा कंफर्टेबल राइड जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप कमेंट करके हमें बताओगे कि आपको उस वीडियो की जरूरत है तो ही हम वो वीडियो बनाएंगे, एंड उसके अंदर बहुत सारी ऐसे गैजेट्स वगैरह दिखाएंगे आपको और एक्सेसरीज दिखाएंगे जो आप डे टू डे ट्रैवल में गाड़ी के अंदर लगा सकते हो और एक अच्छी कंफर्टेबल जर्नी और आप इंजॉय कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको भी अंडर सीट ऑर्डर करना है तो आपको शॉप के डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है व्हाट्सएप नंबर वो सब आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइज ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।